नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू यादव। इन दिनों भारी बारिश के चलते तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। हम बात करेंगे इस वक्त हिमाचल प्रदेश के आसपास के इलाकों की भी, जहां पर भारी बारिश के बीच में कहीं बादल फट रहे हैं तो कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है, और उसकी वजह से न जाने कितनी जिंदगियां तबाह हो रही हैं। हिमाचल प्रदेश में बीती रात भारी बारिश हुई, तबाही हुई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो चुकी है, 52 लोग लापता है। मौत का आंकड़ा और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। NDRF SDRF की टीम मौके पर पहुंची है, लगातार रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। होमगार्ड लोगों का रेस्क्यू करके उनको सुरक्षित जगह पर ले जा रहा है। मनाली में 4 सेकंड में सब्जी मंडी की 5 मंजिला बिल्डिंग मानिए ताश के पत्ते की तरह बिखर गई, ढह गई। नजारा जिसने भी देखा, रूह कांपा देने वाला ये पूरा घटनाक्रम था। आप ये देखिए कि जब बारिश हो रही है उसी दौरान लैंडस्लाइड भी हो रहा है, उसी दौरान भूस्खलन भी हो रहा है, और उसी दौरान बादल भी फट रहे हैं। हर तरफ से आफत बरस रही है। मानिए कि इंसान जाएगा कहां। प्रशासन पूरा मुस्तैद है, कोशिश कर रहा है कि लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाया जाए, लोगों को उचित जो सुविधाएं होती हैं मुहैया कराई जाएं। और भी अलग अलग जगहों से जो खबरें सामने आ रही हैं वो भी आपसे साझा कर दें। बीती रात कुल्लू, मंडी, चंबा और शिमला के रामपुर में बादल फटा। सबसे ज़्यादा तबाही रामपुर में हुई है। यहाँ समेज गाँव के कई घर, स्कूल, गेस्ट हाउस, एक बिजली प्रोजेक्ट का पावर हाउस बह गया। आप सोचिए कितना तेज पानी का बहाव रहा होगा। बादल फटने की वजह से स्कूल, घर और ये छोटे छोटे गांव बह गए पानी में। बिजली प्रोजेक्ट का पावर हाउस बह गया। यहाँ 36 लोग लापता हो गए हैं, एक डेड बॉडी बरामद की गई है। लेकिन ये आंकड़ा धीरे धीरे और ज्यादा भी बढ़ रहा है। ये जो पुख्ता आंकड़े हैं वो आपको बता रहे हैं। मंडी के चौहार घाटी में 3 मकान लैंडस्लाइड की चपेट में आए, जिनमें से 3 परिवार के 11 लोग लापता हो गए। एक शव बरामद किया गया, जबकि 8 का अभी भी सुराग लग ही नहीं पाया कि आखिरकार वो 8 लोग हैं कहाँ पर। मंडी की DC अपूर्व देवगन ने करसोग और पधर उपमंडल के सभी सरकारी, प्राइवेट स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर सब कुछ बंद करने के आदेश दे दिए हैं। इस वक्त सारे जो संस्थान हैं वो बंद हैं। घरों से निकलना बिल्कुल बैन कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके के हालात बन रहे हैं इस दौरान सड़कों पर निकलना भी आपकी जान के लिए खतरा साबित हो रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि जहां पर तेज बारिश हो रही है, बादल फटने जैसी घटनाएं हो रही हैं, वहां पर लोग घर से बाहर ना ही निकले तो ज़्यादा बेहतर होगा। कुल्लू के बागी पुल में बादल फटने के बाद 10 लोग लापता हो गए हैं। पार्वती नदी का जलस्तर बढ़ने से मलाना में पावर प्रोजेक्ट डैम टूट गया है। आप सोचिए कि डैम को भी पलीता लगा है, पूरा डैम ही टूट गया। बारिश के पानी को झेल नहीं पाया, जो बारिश के पानी का प्रवाह होता है, तेज धार होती है, उसे बर्दाश्त नहीं पाया और पावर प्रोजेक्ट डैम ही टूट गया। धर्मशाला में भारी बारिश के बीच स्कूलों में 2 दिन की छुट्टी घोषित की गई है। धर्मशाला जिले के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में अगले 4-5 दिनों तक और भी बारिश होने के आसार हैं। कुल्लू में कलेक्टर तोरुल एस रवीश ने भारी बारिश के बाद सभी शिक्षण संस्थानों में 1 और 2 अगस्त को छुट्टी घोषित कर दी है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह के लिए ये बहुत ही ऐसा वक्त है जहां पर चारों तरफ नज़र दौड़ानी है, चारों तरफ लोगों को मदद के लिए हाथ बढ़ाने हैं। शिमला के रामपुर में समेज खड्डू में खोज और बचाव अभियान का जायजा ले रहे हैं, अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। लगातार जिस तरीके से बादल फटने की घटनाएं हुई हैं, भरपूर उनकी कोशिश है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जितना कोशिश होगी लोगों को राहत पहुंचाई जाएगी, लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाए जाने की जिम्मेदारी उठाई जाएगी। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं, लोगों को खाने पीने के पैकेट्स भी दिए जाने की बात सामने आ रही है। और कुछ जो NGOs हैं वो वहाँ पर तबाही के दौरान जो गरीब हैं, जिनके ऊपर छत नहीं है, जिनके खाने का कोई ठिकाना नहीं है, रहने के लिए कोई जगह नहीं है, वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए, तबाही का जो मंजर है वो चारों तरफ देखने को मिल रहा है। और इस वक्त हिमाचल प्रदेश में बीती रात से 4 जगह बादल फटने के बाद से जो दृश्य सामने आ रहा है वाकई में चौंकाने वाला है। और जो एक 5 मंजिला बिल्डिंग ढही है मनाली में, 4 सेकंड में सब्जी मंडी की 5 मंजिला बिल्डिंग ढह गई, ये तस्वीर जिसने भी देखी, हाथ पांव फुला देने वाली तस्वीरें हैं। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, प्रकृति के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ ना करें। और ये जो पूरी घटनाएं सामने आ रही हैं, कोशिश करें कि जोखिम वाली जगहों पर ना जाएं।
घरों से बाहर इस दौरान तो बिल्कुल ना निकलें, अपने बच्चों को भी घर में रहने के लिए ही कहें। सारे स्कूल, शिक्षण संस्थान और जितने भी संस्थाएं वो बंद हैं इस वक्त, कार्यालय बंद हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इस वक्त तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है।